मुबारक। और जी ईद मुबारक कहते 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 हम सब जो हैं वो तकरीबन थक भी चुके हैं और घूम फिर के खा खा के दोस्तों को बुला बुला के रिश्तेदारों को बुला बुला के काम कर करके भी थक चुके हैं, लेकिन ईद का जो मज़ा होता है अपना वो जो होता है वो जाता नहीं है। ये क्या चक्कर है कि हम इतना थक भी जाते हैं, हम इतना घूमते भी हैं फिरते भी हैं, दोस्तों से भी मिलते हैं, लोगों से भी मिलते हैं, घर के काम भी करते हैं, लेकिन फिर भी जो ईद की खुशी होती है वो उस थकन पे हावी हो जाती है। क्योंकि ईद जो है वो एक हमारा ऐसा त्यौहार है कि जिसका नेमुल बदल कोई है ही नहीं। चाहे हम शादियां कर लें, सालगिराहें कर लें, एनिवर्सरीज हो जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन ईद की जो खुशी होती है, ईद की आमद की, ईद के आने से पहले से जो तैयारियां शुरू हो जाती हैं वो एक अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही चीज़ होती है। और अक्सर ये भी होता है कि लोगों ने दिन बांटे हुए होते हैं, जैसे ईद के पहले दिन जो है कहते हैं कि जी हम अम्मी के यहाँ जाएंगे, ईद के दूसरे दिन जो है वो ससुराल में जाएंगे, ईद के तीसरे दिन जो है वो दोस्तों से मिलेंगे या दोस्तों को घर बुलाएंगे या दोस्तों के घर जाएंगे। आप लोग जो जब ईद मनाते हैं तो आप लोग के घर में क्या होता है, पहले दिन कहाँ जाते हैं, दूसरे दिन कहाँ जाते हैं, तीसरे दिन कहाँ जाते हैं, कोई मुझे बताएगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले दिन तो हमारी कुर्बानी होती है, दूसरे दिन नंदे वगैरह सब आती हैं, तीसरे दिन अम्मी के घर जाते हैं हम लोग, इस तरह से ईद गुजारते हैं हम लोग। सही, तीसरे दिन अम्मी के यहाँ जाते हैं जी। अच्छा, हम लोग तो पहले दिन जाते हैं, अम्मी के भी पहले दिन जाते हैं और ससुराल भी मैं पहले दिन जाती हूँ, क्योंकि वो दोपहर का खाना एक जगह और फिर रात का खाना एक जगह, बस फ़ौरन से जो है। वैसे मीठी ईद की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर हमारी बड़ी ईद अगर कुर्बानी की ईद होती है तो कुर्बानी की ईद पर थोड़ा सा ज़रा चेंज हो जाता है स्केजुअल, क्योंकि कुर्बानी हमारे यहाँ पहले होती है, पहले दिन हम लोग करते हैं और फिर अम्मी लोग जो हैं वो दूसरे या तीसरे दिन करते हैं। तो पहले दिन अम्मी लोग हमारे घर आते हैं, अम्मी मेरे घर आती हैं, क्योंकि मैं अम्मी को कहती हूँ कि भाई जितने भी हिस्से विस्से ये सब चीज़ें करनी है आप ही करेंगी, भाई मेरी तो समझ में नहीं आता। लेकिन लास्ट ईयर ये हुआ था कि मेरी अम्मी नहीं आ सकी थी और फिर मैंने और जन्नत ने बैठ के, क्योंकि लड़कियाँ जो है मुझे अच्छी तरह याद है कि हम बड़ा चिढ़ते थे ना बचपन में, क्या है बदबू आ रही है, अम्मी बैठ रहे हैं हम करीब नहीं आ रहे, अम्मी डांट डांट के बिठाती थी कि बैठो इधर, ये क्या बदतमीजी है। तो अभी जन्नत को मैंने एक दिन कहा कि जन्नत तुमने मेरे साथ ये जो है ना करना है, क्योंकि अम्मी नहीं आएंगी इस दफ़ा, नानू नहीं होंगी। तो जन्नत ने कहा अच्छा ठीक है मामा मैं आपके साथ करवाऊंगी, तो वो तैयार हो गई। अभी वो इतनी छोटी सी, उस वक्त तो 7.5 साल की थी, तो मैंने उसको बिठाया अपने साथ और मैंने उससे ये तमाम हिस्से बकरे सारे करवाए जो होते। मैंने उसको बोला कि देखो ये वाली जो बोटियाँ हैं इस तरह की अलग रखनी है, ये जो चर्बी है ये अलग रखनी है, हड्डी वाली बोटियाँ अलग रखनी है। तो उसने सारा, अम्मी से मैं फ़ोन पे पूछती रही, अम्मी बताती रही, और जन्नत ने मेरे साथ ये तमाम काम करवाया। और हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए, खासकर लड़कियों को, और साथ बिठाना चाहिए ताकि उनको पता हो कि हमारा ये क्या त्यौहार है, किस तरह से कुर्बानी दी गई थी, और कुर्बानी के बाद जो मेन मकसद है उस कुर्बानी का कि उस गोश्त के किस तरह हिस्से किए जाते हैं और किस तरह गरीबों में, रिश्तेदारों में, मोहल्ले वालों में और अपने घर वालों में उस गोश्त को, यानी बच्चों को भी पता हो हमारे कि हाँ ये एक वाकई, और ये एक पता है मज़ेदार चीज़ है ये, क्योंकि हम जब बकरे खासकर जो हमारे यहाँ होते हैं तो वो घर वाले खुद ही करते थे, जैसे हम छोटे थे तो पापा चाचू सब मिलके खुद ही बकरा ज़बा करते थे, खुद ही उसका सब कुछ करते थे, लेकिन चूंकि गाय तो खुद नहीं कर सकते तो गाय के लिए जो है वो कसाई आता है और वो कसाई करता है। और एक ईद रैम्बो साहिबा ने हमारे घर पर मनाई थी, उसमें रैम्बो ने खुद हलाल किया था, और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक हमारा त्यौहार का हिस्सा हैं। और बहुत सारे जो लोग हैं वो इसी तरह करते हैं कि घर के ही कज़न जमा हो जाते हैं और वही आपस में खुद ही कुर्बानी करते हैं, खुद ही जो है वो गोश वोश के मसले हल करते हैं। और कसाइयों का मसला ये है कि कसाई साहब तो टाइम ही नहीं देते हैं, रोज़ सुबह उनका इंतज़ार होता है कि आज इतने बजे आएगा उतने बजे आएगा, और बहुत सारे लोग ऐसे जो कसाइयों का भेस बदल के आ जाते हैं और लोगों के हिस्से ख़राब कर देते हैं क्योंकि उनको आता ही नहीं कुछ करना। तो जी जो भी है, ईद जो है वो खुशियाँ बांटने का नाम है और खुशियाँ मिलजुल के मनाने का नाम है। और ईद पे जिस तरह हम लोगों का एहसास करते हैं, उन तमाम लोगों का जिनको सारा साल हम गोश्त नहीं मिलता या सारा साल वो गोश्त नहीं खा पाते, उन लोगों का ख्याल करना, उन लोगों को गोश्त बांटना, उन लोगों को गोश्त देना। और कहते हैं कि जी
कुछ लोग ये कहते हैं कि जी कुर्बानी का जानवर जो है वो कुछ अरसे पहले ही मंगा लेना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कुर्बानी का जानवर बहुत छोटा सा ले लेते हैं और उसको पालते हैं फिर, और जब वो पाल उसके जब वो दूसरा जो साल आता है जब उसको ज़िबा करने का टाइम आता है तो फिर उसको ज़िबा करते हैं, और फिर उसके बाद उनको जो तकलीफ़ होती है उसको ज़िबा करते हैं, क्योंकि जब आप किसी को पालते हैं ज़्यादा दिन और फिर उसको आप ज़िबा करते हैं तो वो ही असल कुर्बानी का जो मकसद होता है, वो तकलीफ़ जो होती है अल्लाह की राह में कुर्बान करना कोई चीज़, वही असल कुर्बानी का मकसद होता है। लेकिन हम ज़िंदगी में बहुत सारी कुर्बानियाँ देते हैं, बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानियाँ देते हैं, बहुत सारी ऐसे हालात में हम चुप हो जाते हैं, और ख़ासकर ख़वातीन जो है वो बहुत ज़्यादा कुर्बानी देने की आदी हैं। तो कुर्बानी चाहे किसी भी चीज़ की हो देते रहनी चाहिए, और अल्लाह ताला कुर्बानी जो लोग देते हैं चाहे वो अपने मोहब्बत की कुर्बानी हो, चाहे अपने माल की कुर्बानी हो, चाहे किसी भी चीज़ की कुर्बानी हो, उसका सिला अल्लाह ताला ज़रूर देता है। तो आज जो है ईद का जो है त्यौहार जो है वो हम मनाएँगे अपनी बहुत प्यारी प्यारी दोस्तों के साथ, और आज तमाम दोस्तें मेरी यहाँ पर मौजूद होंगी, और आज कोई मर्द नहीं है, मर्द तो है मतलब मेरा मकसद है ये सारे लोग हैं, लेकिन हमारे मेहमानों में कोई मर्द नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ख्वातीन ही हैं। तो आज जो है हम हल्ला गुल्ला करेंगे, गेम्स खेलेंगे, वो तमाम चीज़ें करेंगे जो हम बचपन में करते आए हैं और आज भी हम करेंगे, लेकिन 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 इसके लिए हमें आपके साथ की ज़रूरत है, आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि हम ये सब कुछ आपके लिए ही कर रहे हैं, हम आपके साथ ईद मनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम हंसें तो आप भी हंसें, हम खुश हों तो आप भी खुश हों, तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है ज़िंदगी। ईद मुबारक। मुसलमानों को, तमाम पाकिस्तान में रहने वाले और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो, मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, सतरंगी की तरफ से, एक्सप्रेस की तरफ से। और जी अब वो वक्त आ गया है कि जब मैं अपनी दोस्तों के साथ भी थोड़ी ईद की खुशियां मना लूं, क्योंकि मेरी जो दोस्तें हैं प्यारी प्यारी वो सब बिज़ी रहती हैं अपने अपने कामों में, और आप लोगों के भी इसी तरह होता होगा कि जो दोस्त हैं अपने अपने कामों में बिज़ी रहते होंगे, लेकिन कुछ त्यौहार, कुछ हमारे जो त्यौहार के अलावा जो हमारे कुछ ऐसे मौके आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जिनको हम कहते हैं कि चलो कभी किसी की सालगिरह आ गई, कभी किसी ने कोई एग्ज़ाम पास कर लिया, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमें खुशी देती है, उस वक्त हम जमा हो जाते हैं। और बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होते हैं जो कि वैसे ही एक दिन रख लेते हैं, मुकरर कर लेते हैं कि जब वो दिन जब सब जो है इजी हो, बिजी ना हो, तो उस दिन मिल लेते हैं। लेकिन ईद का मौका एक ऐसा होता है कि जब तो हर हाल में मिलना ही मिलना होता है, और दोस्तों से जब तक ना मिलें जब तक सुकून नहीं आता, क्योंकि बताना भी तो होता है ना कि ईद पर हमने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या पकाया, और आज आपके साथ जो ईद मना रहे हैं तो आज हमने कौन सा ड्रेस पहनना है, और आज हम कहाँ से कपड़े खरीद कर लाए थे। बहुत सारी फ्रेंड्स तो ऐसी होती हैं जो ईद की शॉपिंग भी एक साथ ही करती हैं। तो जी हम बुला रहे हैं अब अपनी बहुत ही प्यारी प्यारी दोस्तों को, बड़ी ही खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां हैं जिनको आप देखते रहते हैं, सारा साल देखते रहते हैं, लेकिन जब वो ईद के लिए तैयार हुई हैं तो आप देखेंगे कि कितनी हसीन लग रही हैं। तो मैं इन तमाम हसीनाओं को बुला रही हूँ आपकी बहुत सारी तालियों में, विनीता, अम्मा, रोज, ज़ेबा, निशा। ईद मुबारक आपको भी और एक्सप्रेस की पूरी टीम को, हमारे तमाम नाज़रीन जो कि पूरे मुल्क में हमें देख रहे हैं इस वक्त। और सबसे पहली बात ये, इतनी प्रैक्टिस करवाई थी वॉक की अमर, वैसे मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही थी, मुझे पता था कि यही होना यू चल रहा है और बीच में आ गई यूं अच्छा से बोल रहे थे फॉलो करेंगे, लेकिन किसी ने फॉलो नहीं किया। और एक अभी हमारी दोस्त रहती है वो पहुंच रही है, उनको उनको जो है ना रास्ते में बकरे ने पकड़ लिया था, उन्होंने वो मुझे लगता है बिरयानी में दम दे रही होगी, उनकी कुर्बानी सुबह सुबह हो गई है तो वो उसको समेट नहीं, नहीं उसकी खैर नहीं, क्योंकि हम पांचों जो है ना बल्कि छह उनको बस आने दो जरा। अच्छा भाई सबके कपड़े माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं, बड़ा हसीन सूट लग रहा है, कौन से डिजाइनर का सूट पहना आपने? आमिर बेग का, बहुत थैंक यू आमिर बेग, खूबसूरत जोड़ा देख के मुझे बकरा ईद मेरी दुबाला कर, बकरा मुझे बकरे की तरह सजा दिया।
डियर फ्रेंड शिरीन सलीम, शिरीन और शिरीन के बहुत अच्छे कपड़े होते हैं। ईद पे मैंने भी शिरीन के कपड़े पहने दो सूट, तो उसी का है और अच्छा लग रहा है। नाइस, और सबका अलग अलग टाइप का है ना। फ्रेंड अक्सा राना, अक्सा मुझे हमेशा खूबसूरत दिखाती है और कोशिश करती है दिखाने की। नहीं, आप तो नहीं है, अच्छी हैं। तो बस अक्सा जो है वो बहुत अच्छी डिजाइनिंग करती है कपड़े। नहीं, आज माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, जो आई मेकअप से सब बहुत अच्छा लग रहा है जी। और आपका ड्रेस किसका है आपको पता ही नहीं होगा, आपको भी नहीं पता होगा। बहुत अच्छी एक दोस्त है हमारे भाई, बताइए जरा इनके किस किस के ड्रेसेस है। रुबाब क्योंकि इनको हमने दिए, इसलिए इनको ड्रेसेस हमने दिए, इसलिए इनको याद नहीं है। एक्सप्रेस ही दिए ना जी, थैंक यू टू एक्सप्रेस, आपने मेरी ईद को दुबाला कर दिया। अब मैं कोशिश करूंगी मैं इसी जोड़े में चली जाऊँ, पूरा दिन इसी में गुजारूं। भाई ज़ेबा तो काबिल होने लग गई है, ज़ेबा का इरादा नहीं है कपड़े वापस, मेरा इरादा बिल्कुल नहीं है। मेरी नियत ज़ेबा बोली थी मैंने खरीदने हैं कपड़े, नहीं वो तो बस ऐसे ही कह दिया था। जोड़ा बहुत प्यारा है ईद के तौर पर, ईद का मौका है मुझे ईदी दे। हाँ तो फिर आप एक बेग, तुम भी मुझे ये जोड़ा दे ही डालो। कहने में क्या हर्ज है, ये जोड़ा आपका हुआ, ये जोड़ा भी आपका खुश। आमिर अब आमिर जाने देखो, अब आमिर जाने तुम जाने, हमने तो ऑर्डर कर दिया। अच्छा भाई कैसी गुजर रही है ईद, कितनी दावतें उड़ा चुके हो तुम लोग, बढ़ा चुके हो तुम लोग, बहुत मजा आ रहा है खाना खाने में। वैसे प्रोटीन होता है तो नहीं वेट नहीं बढ़ेगा, जितना भी बारबेक्यू खा लो वेट नहीं बढ़ेगा। हम तो बारबेक्यू नहीं खा रहे भाई इस ईद वीद पे, हम तो खाते हैं फुल मटन कढ़ाई शीरमाल के साथ। हम खाते भी है, हम मटन भी खाते हैं टिक्का, अब हर चीज खाओ लेकिन तरीके से, तरीके से खाओ, तरीके से। हम वो नहीं खाए, हम अब इवेंट्स ओकेजंस हो, ईद लीवे पे आए हुए हो। अच्छा जी, आप ज़ेबा ने और रोज ने अलीना इफ्तिखार के कपड़े पहने हैं और मैंने रिजवान अहमद के। थैंक यू रिजवान, थैंक यू अलीना, अहमद के बहुत अच्छे कपड़े होते हैं, मैं अक्सर उनके जोड़े पहनती हूँ और आप बहुत प्यारी लग रही हैं। शुक्रिया, लेकिन आप लोग ये देखें कि सब परेशान होते हैं कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, लेकिन आप देखें ईद कलेक्शन है तमाम डिजाइनर्स की और सब डिजाइनर्स की ईद कलेक्शन अलग अलग है, यानी कि सारा फैशन चल रहा है जो आपको अच्छा लगे पहने, है ना। ये ट्राउजर के साथ छोटी शर्ट और ये कोट स्टाइल है, लॉन्ग शर्ट के साथ मेरा भी फ्रॉक स्टाइल है, वो कौन सी ट्यूलिप के साथ साड़ी माशाल्लाह पहनी हुई है, बल्कि दो साड़ियाँ पहले भी हमारे शो में पहन चुकी हैं। पिशवास, ये पिशवास है कुर्ती के साथ और अच्छा, ये ट्रेंडी बिल्कुल मेहंदी वाला देसी देसी जोड़ा, टिपिकल ईद जोड़ा है वैसे, है ना ज़ेबा का बिल्कुल। देखिए मैं देसी ईद मनाती हूँ क्या। अच्छा मजे की बात ये कि वैसे बीच में हमेशा ये रहता है कि ईद पे लोग सिंपल जोड़ा चाहते हैं कि दिन में कुर्बानी में गर्मी की वजह से, लेकिन शाम में इसमें बिल्कुल लग रहा है कि नहीं, नहीं, मैं चमक धमक मुझे अच्छा। मैं बताती हूँ जिसके घर में दावत होती है ना वो बहुत बुरे कपड़े पहने हुए होते हैं, जब वो दावत पे जाते हैं तो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं। बात अच्छे बुरे की नहीं, साथ साथ चमक धमक की, नहीं वो काम करते करते मजा आता है। कपड़े पहनते करती हैं ईद पे, अगर चूड़ियां ना हो और भरे हुए काम के कपड़े ना हो तो ईद लगती लगती है। मैं तो ढूंढ ढूंढ के कढ़ाई वाले जोड़े। अच्छा दूसरी बात ये है कि बकरा ईद पे मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं होता मेहंदी लगाने का, तो मैंने मेहंदी नहीं लगवाई, लेकिन मीठी ईद पे अगर मेरी कंटिन्यूटी भी होती ड्रामों की तो मैं जरूर लगवाती हूं, क्योंकि बकरा ईद पे जरा काम वाम करना होता है, प्याज व्याज काटनी होती है, घर में पाई शाई चढ़ाने होती है, अदरक पीसना होता है। कुछ नहीं करती, से बातें बनाती रहने दो, रहने दो। क्या कुर्बानी करके दावतें करते हो या बांट देते हो? बांट भी देते हैं जो मुस्तहिक लोग होते हैं, आई थिंक उनका भी इंसान का ख्याल रखना चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं जो फ्रीजर में ही भर रहे हैं, शादियां होंगी बाद में उसमें नहीं यार, तो थोड़ा बहुत रखते हैं, झूठ क्यों बोले, थोड़ा बहुत रखते हैं, नहीं सच्ची बात करते हैं। मैं बिल्कुल ये रखा, मैं बिल्कुल ये, वैसे भी आप
एक हिस्सा रखते हैं, ये कहना है कि हम बिल्कुल नहीं रखते, झूठ है। नहीं नहीं, आप जैसे पाए बनवाते हैं या चॉप्स होती हैं इस तरह की चीजें, ऑफ कोर्स रखते हैं। मैं बोटियां रखती हूं, इसके अलावा बाकी चीजें बांट। मेरे बच्चों का शौक है बारबेक्यू का, तो वो बोटियों का ना ये अंडरकट, अंडरकट समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता कौन सा पार्ट अंडरकट है। उसके टिक्के बहुत अच्छे। अच्छा, हम लोग खड़े होके की बातें कर रहे हैं, बैठ जाते हैं यार। आज आप हमारे सतरंगी हाउस में मौजूद हैं। अच्छा, एक बार सेटअप कैसा लग रहा है आपको? फैशन कसी का सेटअप है ये, के अंदर आते ही ना एहसास हुआ फ्रेशनेस का, ताजगी का, बहुत लाइवली है, बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेशनेस और ताजगी बरकरार है। हाँ, एज ऑलवेज। और जी, जिसका इंतजार था वो भी आ गई है, शाहकार आ गया और आ गई है। सजा क्या? सजा क्या? नहीं यार, अलग से नहीं, नहीं नहीं, सजा नहीं, हमने गाड़ी लेट भेजी थी, हमारी गलती है, हमें दो सजा। आपकी वॉक होगी यार। हाँ, वॉक तो होगी, बल्कि उसकी वॉक में आप सब वॉक करें साथ। चले, ये हुई ना वॉक। तो जी, आपकी बहुत सारी तालियों में बहुत ही प्यारी ईद मुबारक, ईद उल अज़हा मुबारक और बड़ी ईद मुबारक। बहुत सारी ईदें होती हैं जो हम कहते हैं कि जी मुबारक मुबारक, इसी के बहुत सारे नाम। बिल्कुल। और जी, हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी शेफ फहमीदा मौजूद है, उनके लिए बहुत सारी तालियां। फहमीदा मेरी प्यारी प्यारी दोस्तों के लिए आप क्या पका रही हैं आज? अस्सलाम वालेकुम। क्या पका रही हैं आपकी प्यारी प्यारी दोस्तों के लिए? कटाकट। कटाकट बकरीद पे कटाकट ना हो तो मजा ही नहीं आता। हाँ, हटा लाइट गोल्डन कलर हो रहा है। हो गया गोल्डन, जल जाएंगे अब। इसमें मैं टमाटर की प्यूरी डालूंगी थोड़ी सी। अच्छा, ठीक है, ताकि ये होता रहेगा। हाँ, ये हुई ना बात। अच्छा जी, तो और क्या बना रही है? कटाकट और कटाकट बन रहा है, बाल्टी गोश्त बनेगा। बाल्टी गोश्त बाल्टी में बनता है? वैसे ही बाल्टी में बनता है, लेकिन आज हमारे पास बाल्टी नहीं है, तो हम इसमें बनाएंगे। तो आप बोल दें सादा गोश्त बनेगा। चलो, सादा गोश्त हम बाल्टी में बनाएंगे। अच्छा जी, और क्या? और तीसरा मैं बनाऊंगी बीफ मंगोलियन विद प्लेन राइस। अच्छा, इसको आपने मैरिनेट किया है इसको, तो इसमें क्या क्या डाला है आपने? इसमें मैंने मिल्क पैक योगर्ट डाला है। मिल्क पैक योगर्ट, पिसा हुआ जीरा, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, चाट मसाला, हल्दी और पिसा हुआ धनिया। अच्छा, बड़ा मजा आ रहा है इसमें, तो बड़ी मजे का है। बहुत चटपटा हो गई है और इसमें एंड में लेमन जूस ऐड होगा। वेरी नाइस। अच्छा, आपने इसमें मिल्क पैक दही क्यों यूज किया? मिल्क पैक योगर्ट से ग्रेवी अच्छी बनती है, मैरिनेशन अच्छी होती है और इससे हीक खत्म हो जाती है जो मटन में और बीफ में आती है। मटन और बीफ में जो आती है, वैसे हम लोग पता है ताज़ा गोश्त खाने की आदत नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि कुर्बानी के गोश्त में हीक आती है, जबकि वो ताज़ा गोश्त होता है। लेकिन जब हम अगर नेस्ले का ही जो योगर्ट हम डालेंगे ना, आप यकीन करें इससे बिल्कुल हीक खत्म हो जाएगी। जबरदस्त। तो फिर आप बनाएं। और ये क्या कटाकट के अंदर? कटाकट है जी, इसमें मैंने कलेजी, दिल और गुर्दे डाले और ये मगज जाएगा। ये बीफ मंगोलियन बनाएंगे, इसके अंदर बीन्स जाएंगे। बीफ मंगोलियन भी बनेगा, खुश हो जाओ बच्चों। अच्छा, उसमें बीन्स भी जाएंगे और मशरूम्स भी जाएंगे। मशरूम्स और बीन्स और बीफ। बीफ बस। अच्छा, तीन चीजें होंगी। सही है, हम फिर इंतजार करते हैं आपका। जरूर, आप खाना बनाएं। मैं सर्व करती रहती हूँ। बिल्कुल, बहुत सारी तालियां एक बार फिर फहमीदा के लिए। फहमीदा, आपको एक बार फिर ईद मुबारक। थैंक यू, आप लोगों को। और जी महारोश, तुम अपना ड्रेस दिखाओ खड़े होके। महारोश का जो ड्रेस है वो दरवेश का ड्रेस है, दरवेश का। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बैठ जाइए, हम अपने अपने कपड़े दिखा चुके हैं, इसलिए हमने कहा आपके ड्रेस दिखा दे। आजकल ऐसे ट्रेंड हो गए, जितना भी आप दुपट्टा कुछ, शरारा कुछ, कमीज कुछ, कलरफुल कॉन्ट्रास्ट, कलरफुल अच्छा लगता है। अब अगर देखा जाए तो ज़ेबा का जो ड्रेस है उनका पिंक शर्ट है और इनके पिंक शर्ट और ग्रीन इनका दुपट्टा है, तो ग्रीन इनकी शर्ट है। एक दुपट्टा खरीदो, पांच साल चलाते रहो। अभी ज़ेबा का नाम लिए ना, उसने ऐसे एक्सप्रेशन दिया है जैसे उसके पास आगे डेट्स ही नहीं है। अच्छा जी, आप लोगों ने बहुत आराम कर लिया, बहुत बैठ गई, आप थोड़ा सा अल्लाह गुल्ला करते हैं, थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं। खाना खाने आए, खाना खाओगे, अभी पकने वाला है खाना। यही पे काम करा रही हूँ, घर पे भी काम करें, यहाँ भी आके काम करें। खेल खेल खेल, कलेजी भी बड़ी है।
है ना, तुम खेल के नाम पे काम करवाती हो हमेशा। बिल्कुल करवाएंगे हम, ऐसे थोड़ी बैठने देंगे आपको आराम से। और जी बड़ी प्यारी सी मजेदार सुरीली सी एक्टिविटी है ये, सामने आप देख रहे हैं नाम लिखे हुए हैं, कलेजी, पेपड़ा, पाया, दुम, सींग, चांप, दिल, गुर्दा, मगज, कान, सिरी, जबान, रान, आंखें, खाल, ये तमाम आपकी चीजें हैं। यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है कोई भी नाम, ठीक है, और उसमें से जो भी नाम निकलेगा उस पे आपको गाना गाना है। गाना माइक दे दिया आप लोगों को, दिल मैं ले रही हूं, माइक दे दिया आप लोगों को, हम टीम ये रहा। देखो बहुत सारे ऐसे टीम है, नहीं नहीं टीम पूरी गाना गा सकती है, जिसको आएगा दिल पे गा, लेकिन लेकिन एक बंदा बोलेगा आपको भी क्या गाना, नहीं 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 इसके अंदर से निकलेगा भाई, इसके अंदर से निकलेगा जो आंखें नहीं है, आते आते मैं कह रही हूँ आंखों पे क्या गाना होगा, नहीं अंदर लिखा होगा, अंदर लिखा होगा गाना, ऊपर नहीं है भाई, अंदर है ये तो। ओ, अच्छा बहुत मुश्किल, अकल की कच्ची लड़कियों अच्छा अंदर है। हम समझ रहे थे इस पे मिर्ची 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 हाय मिर्ची चले जी, दिल 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 के अंदर क्या निकलेगा, और बनीता के दिल में देखते हैं क्या निकलता है। ये है बनीता का दिल, बनीता के दिल में निकला है सावन सावन सावन, एक हम कर रहे हैं सावन की भीगी रातों में, हाँ सही है सही है सही है ना, गा तो रही है सही है, भी कर रहे इतने ओवर कॉन्फिडेंट अच्छा रिजा गारी बुंदे, रिजा गारी बुंदे माइक मिली ना, क्या क्या रखा भाई कान देखो यार, हाँ जी कान कान, हाँ इस कान की बहुत जरूरत है, रान कान 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 यार, मगर यार देखो जो लिखा हुआ बता रहा है कान, ये रहा कान के बराबर में, कानों के कच्चे लोग मगज के बराबर, कान में आयो है दो गान गान गान। अच्छा जी जी सुन रहे हैं रान रान बकरी रान, 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 बकरी रान, बकरी की बारों की पुरजोर फरमाइश पे हम रान दे रहे हैं रान प्यार चांप हमारा चांप से पसंद है, और ये अंबर की चांप आई गाना छाना चाहिए, अंबर की चांप, अंबर की चांप में से क्या निकला है, क्या निकला अंबर की चांप, क्या निकला अंबर की चांप, ऑडियंस एक मिनट जा बनी जा मारोश, हमें हमें वो गाना है फेफड़े फेफड़े फेफड़ास, और ये है रिजा के फेफड़े मेरे वो बस हमारे बकरे के हाँ। क्या कर सकते हैं सनम या दोनों को यहाँ पे मैंने सिर्फ तालियां बुलवाने के लिए बजाने के लिए नहीं बुलवाया हुआ, गाने भी गाओ बहुत सुन में गाएंगे ऊपर ऊपर और ये रोज की कलेजी, अब प्रॉपर गाना है तो हम लोग सुकून से तो गाना गाएं, भाई हम सुकून से गाना गाएंगे बस, अच्छा आता है अबे यहाँ से कलेजी आज से पूछने जा रही है गाना, अच्छा ऐसी बेचैन कलेजी है रोज, अल्लाह माफ करे ऐसा कौन सा गाना आने लगा अबे पहले कंसल्ट कर, अबे यार ये क्या बकवास है इरा, क्या चुल जेवा जेवा ये तुम बहुत अच्छे से गा सकती हो, देखो जेवा उन लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, आगे नहीं आता हाँ बस यही आता है चुल लड़की आओ ना चुल आगे बिल्कुल बेकार बस गरम मामला लड़की नहीं तू इतनी इतनी चुल थी भाई, अगर आप गाना नहीं गा सकते तो गाने पे परफॉर्म करके दिखा ना, मैं भी तो आगे थी जबान बहुत चल ठीक, देखो त्रिवेणी हमने गाना भी गया इनको परफॉर्मेंस भी दी, हमने वाह भाई क्या बात, नहीं परफॉर्मेंस तो इनको कोई गाना नहीं आता तो इसे भी परफॉर्म कराएंगे, डोंट वरी आउट ऑफ 100 हां जी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, हां जी मगज 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 मारोश का मगज, मेरे मगज में ऐसा क्या निकला, देखते हैं मारुष के मगज में आखिर है क्या, है क्या देखते हैं क्या चल रहा है आजकल तुम्हारे जिंदगी जिंदगी कुछ तो बता आपका लास्ट
अगर रिजन तुम लोगों को नहीं नहीं देखो तुम लोगों को गाना गाना नहीं आएगा तो पहले से गाना भिजवा दे परफॉर्म। अरे जाओ ये तो बिल्कुल ही बात आपने ऐसी कर दी है कि अब हमें गाना अच्छा आप दोनों की सबके माइक लगा हुआ तो माइक में बोलने की जरूरत नहीं उसी गाने के लिए बेस पसंद है बेस में आवाज ज्यादा अच्छी हां वो लगा दे इसको एक है बेबी को बेस पसंद है चलें जी बेबी नहीं हमारी बेबी को बेस पसंद है नहीं ऐसे थोड़ी गा के बताओ गा के नहीं चलो गा क्या है बेबी से बेबी है इनका हां हमारा है बेबी क्या है बेबी बेबी आ गया हां बेबी को बेस पसंद है बेबी को बेस पसंद है मशहूर गाना है बेबी को बेस ऑडियंस ऑडियंस एक सेकंड शुरुआत बता दो सहेलियों के लिए अरे फहमीदा ये बताएं खाने का क्या हुआ फहमीदा ने क्या तैयार कर लिया भाई कटा कट कटा कट तैयार हो चुका है नाज़रीन लेकिन 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 कटा कट में आपको पता है अभी आप लोगों ने गाने का इतना कीमा बनाया कटा कट में भी कीमा डलता है यानी कीमा हो जाता है चीजों का तो हमने सोचा कि आपसे भी कीमा बनवाया एक बात कहूं हां ये तो वही बात होगी हाथ को आया पर मुंह को ना लगा थैंक यू फहमीदा बहुत शुक्रिया और पहले 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 ये यहाँ पे गोश्त रखा हुआ है और आप लोगों ने करना ये है कि ऐसे करके गोश्त को काटना है ये देखें हैं ये ऐसे करके ठीक है ऐसे करके जैसे घरों में काटते होंगे आप लोग पता नहीं बोटियां बनानी है हाँ ठीक है बहुत अच्छी लग बड़ी बोटी काट सकते हैं आप और उसके बाद इसको इधर यहाँ लाकर ज़ेबा कह रही है तुम बहुत अच्छी लग रही थी इस तरह गोश्त काटते कोई बात नहीं इसको इधर से ऐसे करके प्रेस करना है और इसका कीमा बनाना है बन गया हाँ बन गया लेकिन ये निकलेगा जब जब इसमें और गोश्त डालेगा अच्छा ठीक है तो ये हम टीम टीम है टीम 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 नहीं है दो दो लोग हैं चलो एक काट काट के गोश्त लाता रहे मैं तो काट दूसरा कीमा बनाता रहे काटना आता है बस सही है फिर बहुत सही तालियां Thank you.
का। अरे यार देखा वो केरी लॉक कर दो। कितना मुश्किल काम है भाई का। शाहियों आप सबको सलाम है। बहुत बहुत सलाम जो इतना मुश्किल काम करते हैं कीमा वगैरह बनाना लोगों का। मेरा मतलब है कीमा बनाना जानवरों का। हटिएगा जी, जज्बात ही नहीं हो गई। बस ये हमारी हमारी मशीन के और इन्होंने तो मशीन के टुकड़े टुकड़े हमारी काफी बना लिया। इन लोगों ने मशीन का कीमा बना दिया है। नाज़रीन ये देखें, लेकिन ये देखें सबसे ज्यादा कीमा हमारे पास। हाँ, तो अच्छा दिखाइए जी। नहीं नहीं हमारा भी बहुत सारा है। किसका ज्यादा है देखें? मारोश का और रोज का ज्यादा है। अंबर 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 या फिर अंबर का ज्यादा है या फिर नहीं नहीं ऐसे मेरी और जमा का ज्यादा है। नहीं नहीं खैर या फिर अंबर का ज्यादा है। नहीं नहीं हमारा नजर नहीं आ रहा। क्रेडिट मुझे जाना चाहिए। जबरदस्त बनाया। गोश्त काट के दे रही हूँ। रिजा गायब, वो जब मेरे के पास चली गया। हाँ तो बोला मुझसे ये नहीं हो रहा है, मैं काट लूंगी। गेम में सोड़ के चली गई। मुझसे घुमाया नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, आप कोश काट के दे दें उनको, कोई टेंशन नहीं है। भर दी बहुत सारी तालियां तमाम दोस्तों के लिए। आइए और ये मजेदार मजेदार। हां ये अनीता जो है जरा शक्ल तो दिखा दे। बनीता मेरे पास आई, मुझे कह रही यार मुझे भी एक पीस काट के दे दे। वैसे ये दिल की बहुत सखी है, दिल की बहुत नेक औरत है। मेरे हिस्से की तालियां। और जी ये मजेदार कटाकट तैयार है जो अब मेरी प्यारी दोस्त से अपनी मेहनत करने के बाद ये कटाकट खाएंगी। हम नहीं खाएंगे, और इसमें जरा नींबू निचोड़िए। और मैं हैरान हूँ कि बिनीता इतनी चुप चुप दूर दूर की बैठी हुई। क्या खाया तुमने? मैं ये कह रही हूँ हाथ को आया तो आगे बैठी हो ना। अभी कुछ खाया है वरना बिनीता और कहीं दूर रह जाए खाने से। अच्छा जी आइए जी। और भाई शबी बहुत देर से देख रहा है बैठा हुआ कि ये लोग तो मुझे देख ही नहीं रहे ना मुझसे गाना गवा रहे हैं। अरे रोज शबी बात नहीं सुन रही। क्या गाना गाओगे आज? थोड़ा सा की डाल दे मेरे। अच्छा सा गाना है जो भी है। अच्छा सा गाना, अच्छा सा कोई गाना। चलो ठीक है शबी के लिए बहुत सारी तालियां। क्या बात है, बहुत जबरदस्त गाना। और अच्छा गाते हैं। आपका नाम? शबी हैदर। शबी शबी वाकई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है ना। वेरी नाइस। और ये बहुत ही मजेदार है। मतलब हाँ बताइए ऑडियंस कैसा था? और ये एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे। फहमीदा आप क्या बना रही हैं आप? बीफ मैंगोलिया जो है। और जी छोटी सी ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं। मैं साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी। ईद मुबारक। मेरे जो ये सैंडल्स हैं ये मैं लेकर आई हूँ अमेरिका से। और ये अच्छे हैं। और इन सैंडल्स के लिए मैंने 3 महीने सेल का इंतजार किया था। तो जी डांसिंग चेयर नचाने के और भी फॉर्मूले। पहला राउंड मैं आपके साथ ही रुकी। क्या लेकिन आप पहला राउंड तरीके निकाल रहे हो नचाने के? हम करें आप लोग ठीक है। शेप पे तुम भी मेरे साथ खेल। मैं तो कह रही हूं ना कि पहला राउंड मैं भी आ गई है मैडम। ये भी साथ पकड़ लिया। एक मिनट, बहुत बोलती हैं लड़कियां, बोलती रहेंगी। आ जा
खेलेंगे वरना नहीं सब खड़ी हो जाए पहले खेल रही है इतना भटकने वाली लड़की यू हाँ मैं भाई जब गेम खेलते तो सीरियस होके खेलते और रोज टेक इट और लीव रोज के लिए तालियां आ जाइए आप जब आप गेम खेल रहे हैं तो गेम खेले जब आप डांस क्या फायदा फिर इतना और हुई है ना इतना हॉरर फिगर से ओह माय गॉड अच्छा भाई मैं लोग ये डांस सेशन में आ तुम बेबी को मैं पसंद लगाई नगला सबके स्टेप जो है ना वो यूं ही रह गए चले जी अब कौन रह गया है नाज़रीन भाई मैं नहीं खेल रही अब मेरा तो स्टेप था बंद कह रहे धक्का देके आगे बढ़ो आगे अच्छा वैसे आपने ढूंढ को भी लगी जीत जाएगी शायद अच्छा लेकिन पता है क्या इसके साथ बहुत ज्यादती हो रही है ये जैसे कोई स्टेप यूं करके लेती है और फिर उसको बैठना पड़ जाता है ना इस दफा कौन सा स्टेप लिया था तुम्हें मैं तो हर जगह बेरिया रे कहना चाहती हूँ मैं ये जीत दे रही हूँ अंबर को अंबर आप जीती चले जी अंबर प्लीज आप अंबर ऐसे सकती थी जिसको मैंने हार कबूल कर ली इससे पहले कि मैं इनमें दब के कही रह जाती ये अभी क्यों बता रही हो ये हाँ, पहले बताना था ना पहले तो चुप पहले आया नहीं है बाद में ज़ेबा ये तो बात ही गलत है पॉइंट टू बी नोटेड डाउन पॉइंट टू बी कह रही है ज़ेबा नहीं देखिए मैं तुमसे पहले कह चुकी थी कि तुम ये जीत जाओगी नहीं जा तो हार के बाद जीत तुम्हारी हो यार और
जी क्या पका गया? पका लिया। मैं जीती हूँ एक ही बार नंबर। मैं सीरियस नहीं लेके दिल पे। विनीता छोड़ो सब कुछ, ये देखो दिखाना जरा इधर भाई। हेलो वाओ तैयार तो है और जी हम जरा ये चखते हैं और एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे। नहीं नहीं हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा। सतरंगी ईद मुबारक। बिल्कुल। और ईद की खुशियों में हमने एक और चार चांद लगाया है और वो है ये टोकरा और वो मटकियां। वो मटकियां देखें आप, उन पे नंबर्स लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। इनमें से कोई भी नंबर आपने चूज करना है, इनमें आपकी ईदियां हैं और किसी एक मटके में सबसे ज्यादा ईदी है। मेरा चूज कर रहा है नंबर 7। मेरा नंबर 8 है। 5 है मेरा। मेरा 8 है। नंबर 7। मेरा 8 है। हां 7 मेरा 8 है। 6 चलो मैं कुछ नहीं कह रही, दे दे मुझे गरीब। चलो जी सबसे पहले जेबा, आइए जेबा आइए, जो बचेगा लाइए, ये जो बचेगा हम ले लेंगे, जो किस्मत में वो मिलेगा पकड़िए। कौन सा नंबर था आपका? 8 8 नंबर। जेबा थोड़ा दूर हो गई, कहीं तुमने पूछा नहीं। ये लड़की बहुत बोली थी, ज्यादा ही दी है। चलो जी क्रिसमस पे नहीं वालों से पूछा तो नहीं। ऐसा करते लड़की बहुत तोड़ लो, तोड़ लो इसको, नीचे रख दो टोकरे को, नीचे रख दो, एक मारना है इसके, नीचे रखो ना। मुझे डर लग रहा है। पैसे नहीं है। सुनो सुनो ये बाबा की दुआ थी, बहुत बोल रही थी। मैं तो कुछ नहीं निकलेगा। मकसद था कि इसमें आना चाहिए। आप टोकरी कहाँ रख रही है, इतनी कंफ्यूज क्यों हो तुम? यहाँ टोकरी रखी है, ये जब करोगी कम से कम उसको यहाँ रखती है ना बीच में। यार अगर उसके वो चीजें करती तो ना पांच मेरे हैं। चले जी अंबर मार रही है 3 नंबर पे। रेडी रेडी मतलब आपके लिए बहुत सारी तालियां। किसे ठोकना है? अंबर जी आपके 5 रुपए और रह गए, रुके प्लीज। अंबर जी आपके 5 रुपए, जैसा कर लो। अंबर जी अंबर जी अंबर जी आपके 2 रुपए। चले जी मैं बजा के ही देखती हूं। उधर जाके अपने पैसे निकालो सारे। अब आएगी रोज। सॉरी क्या नंबर था? आप उधर आ जाइए, आपका सबसे बड़ा नंबर है, सबसे आगे लाएंगे आप। हाय हाय बड़े नंबर तो कुछ भी नहीं निकल रहे अपना। ये लो मेरे कौन सा 150 रुपए लग रहा है मुझे, टूटे हुए ना 150 रुपए। कौन सा चीज कर रही हो? 6 पे शायद कुछ हो। नंबर 1 लो, नंबर 1 लो।
चलो नंबर वन, रोज का नंबर वन, अल्लाह मियां बहुत सारे पैसे एक यस रोज यार चश्मे चाहिए दिख नहीं रहा तू। मारोश, मारोश के लिए तालियां। नेक्स्ट नंबर 10। नहीं नहीं मारोश तुम्हारे निकलेंगे। तुम्हारे तुम्हारे यकीन से मैं तोड़ रही हूँ। मैं कह रही हूँ तुमसे निकलेंगे। 20 कुछ निकले। नंबर चार और नंबर सेवन सात। मेरी बारी है ना, मैं तो भी कॉल तोड़ लो। हाँ जी हाँ, अब वैसे आप ऑडियंस से पूछेंगे, ऑडियंस का मसला। आप बताएं इनको नंबर क्या है, ये तुमने ही कहा है। मैं क्या कह सकती हूँ, नहीं एक एक जल्दी बोले कोई। आप लोग बताएं सेवन। चलो खुशी में यहाँ पे मौजूद है, इनको भी मैं तोड़ूंगी। वाह वाह, इसमें कुछ है भी कि नहीं है, इसमें भी पैसे भाई। आ जाओ कौन लेगा, तुम आ जाओ। नीचे भी भाई सबसे ज्यादा बिनीता के 500 का नोट निकला है। बिनीता के फिर भी गिन रही है, फिर भी सबसे ज्यादा पैसे बिनीता के निकले हैं। चलो भैया भाई बहुत सारे पैसे, मैं बहुत अमीर हो गई हूँ। दिखाइए इसमें डाले पैसे लाइए। आ जाओ कॉफी पिएंगे। मेरे तो 145 थे। मेरे 145 लाओ। दो विनीता लकी मैन। हाँ जी जरा अनाउंसमेंट जरा। मारोश कितने निकले, कोई 170 180। देखो मेरे पास है बहुत सारे पैसे, इसलिए मैंने गिनना पसंद नहीं किया। कहते हैं ज्यादा गिनने से नजर लग जाती है, लिहाजा मैं गिन ही नहीं रही। 300 जब तक हम ये पैसे जो है ये और निकालते हैं, जब तक के लिए छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी। ईद मुबारक।
आप देख रहे हैं यहाँ पे तीन हमारे जो कुर्बानी के जानवर होते हैं, ऊंट है और गाय है और शीप। हाँ ठीक है, तो इसको कंप्लीट करना है, लेकिन होगा ये कि इन तीनों टीमों में एक जो है उसकी आंख पर हम ये पट्टी बांधेंगे और इस तरह से करके, और उसने आंखों पे ये लगा कर तस्वीर कंप्लीट करनी है, और दूसरे ने दूर खड़े होकर बताना है इंस्ट्रक्शन के ऊपर करो नीचे लगाओ या ऊपर लगाओ, इस तरह से करके, समझ गए यार? तो मैं पट्टी बांधूंगी अपने। आप पट्टी बांधेंगी? ओके, मैं भी पट्टी बांधूंगी। ओके, और कौन बांधेगा आप में से? चलो मैं पट्टी। विनीता सही है तो विनीता आपके साथ। अच्छा विनीता मारोश, और आपको मैं रोज के साथ कर देती हूँ। रिजा आजो 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 आजो, वो मैंने माजी मार ली। अच्छा तो मेरे साथ आप लोग अपना अपना चूज कर लें, गाय अपने अपने। हम करेंगे गाय को। आइए ये लीजिए, हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा हम किस पे जाएं? अब आपने इधर खड़ा होना है। ये मदद कर सकते हैं जी? नहीं नहीं नहीं, खुद करेंगी ये, मैं खुद मैं हूं ना, मैं दूं। आप इधर आएंगी? इधर नहीं, उधर नहीं, इधर लीजिए। इधर आप भी इधर आएंगी? बल्कि आप लोग एक काम करें, हाँ आप लोग ऐसे नजर आ रहे हैं ना, चले तीनों दोस्त बिल्कुल एक साथ खड़ी जाए, आगे नहीं आए जेब। अच्छा, ओके ठीक है, चले लगा लेना, किसका इंतजार है अंबर? अच्छा आ जाओ मनीता, मनीता ऊपर मुंह नहीं करना है, नहीं मुंह नीचे रखना है, मुंह नीचे। ठीक है, जानवर है ना, उसका मुंह और टांगे बनी नहीं है, बाकी मुंह और टांगे नहीं है, बाकी सब कुछ पूरा है। अच्छा जी बनीता, जी जी नहीं बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, झूठी बोल। अच्छा ये पकड़ा है, परेशान हो के नजर तो आना चाहिए थोड़ा बहुत। इसमें ये मेरा है, एक मिनट में दे रही हूँ, मैं दे रही हूँ सब कुछ। आंखों को इतना नहीं करते होते। ये लो ये लो, ये पकड़ो, आप लोगों ने बताना है ऊपर नीचे आगे पीछे आगे। आ जाओ, कसम से मुझे नजर नहीं आ रहा, कैमरे में नहीं आएगा, मुझे देख रहे होंगे। ये लो, म्यूजिक नहीं बजेगा, और 1 2 3 स्टार्ट करें। क्या है, क्या लगा? स्टार्ट स्टार्ट नहीं, खुद ही पकड़ो ना, चिपका लो। करीब आ गया, तुम लोग सब मना भी किया था, फेंको। अब हम कैसे जगह बनी हुई इसको लगा दो हाथ से। अंबर बिल्कुल ठीक है, ऊपर करो थोड़ा। अच्छा ये लगेगा, ये टोकरी दो मेरी, अच्छा रुको ताकि मैं बताऊं थोड़ा राइट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बस लगा दो इधर 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 सीधा करो। सही है, स्टिकर नहीं लगावा, स्टिकर ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो, आसान सा हो गया। लगा ना, मैं करती हूं, सही है, तुम लगाओ। ये मेरा हो गया, पहले हमारा रह गई पूंछ, हटा दो जल्दी, बताओ कहां लगाना है? यहां लगाना है, यहां हां, राइट राइट राइट, और राइट ऊपर देखो ना, पहले फील करो, फील करो। बस मैं अपनी मारोश पर ट्रस्ट करती हूं, इसको फील करो। आगे आगे इधर इधर दुम दो, मैं राइट उल्टी सीधी, बस पीछे हट गए रो। ये कैसी तुम है? ऐसी है, इसको उल्टा करो, हाँ ऐसे ऐसे, ऐसे थोड़ा नीचे आओ। अब लेफ्ट फील किया, हाँ हाँ ये फीलिंग में बड़ा वैसे, थोड़ा सा राइट करो, ऊपर से राइट करो, ये ऐसे बस बिल्कुल से, ये लेफ्ट है मारो, राइट नहीं है, ये फीलिंग में वैसे। हट जाइए जी, आ जाइए सब लोग, उधर आ जाए सब, उधर आ जाए, जानवर का सब कुछ आप आए नहीं, मैं बताती हूँ अंबर ने क्या किया है, मैं बताती हूँ उसकी चलाकियाँ, बहुत चलाक बनी हुई अंबर, एक चलाक अंबर, एक चलाक औरत है, बैठो बैठो, मैं तो बताती हूँ, बल्कि जहीन औरत है, जहीन लड़की, जहीन जहीन लड़की है ये। इसने क्या किया, इसने पहले हाथ लगाया, इसने देखा कि ऊपर से गोल है या नोकीला है या बारीक है, फिर उसने अपने हाथ में, हाँ बिल्कुल हो गया। अच्छा अंबर ने ये किया कि अंबर ने देखा कि ये कहाँ पे नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर इसने जल्दी से इधर देखा, यहाँ से देखा, और इसने यूं करके लगा दिया। ये अंबर ने बड़ी चलाकी से काम किया है नाज़रीन, और सबकी तीन तीन चीजें थी,
एक टांग रह गई है रोज, तुमने टांग, अच्छा रोज ने जो एक टांग लिया वो पूंछ की जगह लगा दी है। राइट करो, अगर राइट करती थी तो वो कहती थी मैं लेफ्ट करूंगी। और ये देखे नाज़रीन, ये पूछ नहीं है एक्चुअली, ये टांग है। और ये इधर आनी थी। और ये ना लगवा दी पूछ की जगह, और पूछ ये पड़ी हुई बेचारी मासूम अकेली, मगर इसमें इतनी ये रही पूछ। हाँ ये रही पूछ और ये रही टांग। क्यूट ऊंट तैयार करवाया, आपकी काऊ बहुत अच्छी है और आपकी काऊ की जो सींग है वो भी बहुत जबरदस्त जगह पे लगाई है। क्रेडिट गोज़ टू मारोश भाई, इसने मुझे गाइड किया, बहुत अच्छा गाइड किया मारोश ने अनुष के लिए, बहुत गाइड किया। रिजा ये टांग तुमने लगवाई थी? ये टांग ये रिजा ने लगवाई थी। क्यूट जो है वो ऊंट कभी जिंदगी में नहीं देखा। नहीं, वो कहीं नहीं देखा। ऐसे वाकई इतना क्यूट ऊंट हमने कभी नहीं देखा वाकई। और शबी आप भी कुछ कर लें और ना देखेंगे, आप गा लें कोई काम कर लें, कोई अच्छा सा गाना सुना दें। बकरे हमारे साथ मौजूद हैं और ये व्हाइट वाले बकरे को जरा क्लोज करें, कितनी हसीन और खूबसूरत आंखें हैं इसकी। खूबसूरत हसीन बकरा है। देख की तरफ से वो है नजर का टीका, नेचुरल है ना, मतलब देख के माशाल्लाह निकलता है, बहुत खूबसूरत जी। और अब जो एक्टिविटी कि काले रंग का सुरमा नहीं इसकी आंखों में, लाल रंग का सुरमा, कहां से नहीं पकड़ो इसको। अच्छा जी, अब जो है हमारे पास जो एक्टिविटी है वो ये है कि ये यहाँ पे भूसा रखा हुआ है, ये देख लें आप, नजर आ रहा है? अच्छा ठीक है, और इसमें इनके जेवरात हैं। ओके, ये वाइट वाला बकरा मेरा। अच्छा ठीक है, इसमें जेवरात है, दो दो लड़कियां एक एक बकरे को तैयार करेंगी, ठीक है, और देखते हैं कि कौन सबसे अच्छा तैयार करता है। मुझे थोड़ी एलर्जी है जानवरों से। नहीं आपको करना तो पड़ेगा ना, गेम तो खेलना पड़ेगा। आप बकरा ईद पे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आ जाए आ जाए, जल्दी आ जाए, चले जी, बिल्कुल प्यारे मेरा। चलो जी चलो जी, आ जाओ आप, हेल्प करा दे खाली। बकरे तैयार हो चुके हैं नाजरीन, इतना खूबसूरत लग रहा है। हमें बहुत कम चीजें मिली थी ज़ेबा को, और एक बकरे पे तीन लोग। नहीं लेकिन जवेरिया जबरदस्ती चीजें नहीं पहनानी चाहिए, वो बिल्कुल बैलेंस लग रहा है। और जी सबसे ज्यादा अंबर और रोज ने मेहनत की है, दिखाइएगा। और हमारे बकरे कान नहीं पहने मेरे जैसे, देखो टॉप दिखाइए जरा, अंबर का बकरा कितने सारे पहने। तालियां अंबर के बकरे के लिए। और नहीं नहीं बात है, हमारा बकरा भी बहुत प्यारा है। इधर ले आए, इधर करें, इधर लेकर आए जरा। बहुत मुश्किल था इसको तैयार करना, बहुत ही जिद्दा और बहुत दिखाइएगा जरा, मैं आगे आ गई हूँ शायद। ये भी देख रहा है बेचारा, जगह मुश्किल था इस बकरे को तैयार करना, बहुत जिद्दी थे ये, बहुत जिद्दा टाइप जिद्दा टाइप, लेकिन इनको तैयार किया थोड़ा बहुत कर सके मारूश की बहुत कोशिशों के साथ, ये रस्सी बंदी लाल रंग की, और हम बड़ी खुश इसको तैयार करके, पैरों पे भी। तो बकरा और रिजा ने सिर्फ सवाई सेल्फियों के बकरों के साथ कर लिया। रिजा कहती है कि उनको एलर्जी है बकरों से, लेकिन जी बकरा ईद का जो कुर्बानी की जो हमारा जानवर होता है उससे हमें प्यार होना चाहिए, उसके हमें खिदमत करनी चाहिए, खाना पान खिलाना चाहिए।
चाहिए, उसको साफ करना चाहिए, उसको तैयार करना चाहिए, क्योंकि इसका भी सवाब मिलता है क्योंकि वो कुर्बानी का जानवर है और कुर्बानी जो है हमारे इस्लाम में जो कुर्बानी की ईद है वो एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक वाकया गुजरा है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, उसके ऊपर जो है हमें ये फरमान हमें दिया गया कि हम हर साल कुर्बानी करें। तो जी इन बहुत प्यारे प्यारे हमारे जानवरों के लिए बहुत सारी तालियां होए और हमारी तमाम लड़कियों के लिए जिन्होंने बकरे तैयार किए बहुत सारी तालियां और एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे और साथ में और देखते रहिएगा सतरंग ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम तैयार हो गई है बाल्टी गोश्त। ये बाल्टी गोश्त कैसे बनाया है आपने? मैरिनेट करके रखा था जी, इसे मैरिनेट करके रखा था मैंने गोश्त को कल से, ठीक है। और इसके अंदर मैंने पिसा वजीरा, दही, जीरा, दही, टमाटर पेस्ट, दही, मिल्क पैक का दही डाला था मैंने, शुक्रिया ही कट जाती है, शुक्रिया आपको याद आ गया। अच्छा आगे और इसके बाद इसके अंदर मैंने पिसा वगैरह मसाला, हाँ, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ठीक। तो ये आपने एक एक रात को पूरा रात आपने रखा, मैरिनेट किया था, मैरिनेट किया और फिर उसके बाद, वरना मैरिनेशन के लिए सिर्फ 3 घंटे काफी है। अच्छा 3 घंटे भी कर सकते हैं हम। तो जी ये आप हमारी प्यारी प्यारी दोस्तों को खिलाएं, ले आएं फहमीदा के लिए बहुत सारी तालियां। फहमीदा जब से किसी किसी अम्मी और बड़ी बहन की तरह किचन में लगी हुई है, अच्छा दुनिया एंजॉय कर रही होती है और माए जो है वो किचन में लगी हुई होती है। जब एरिया जैसे बाल्टी गोश्त है, मैं बताई थी इसको कि जैसे कढ़ाई गोश्त होता है ना, उसमें अगर हम लोग साबुत धनिया और जीरा को भून के तवे पे उसको मोटा पीस के मिक्स कर दो तो फिर वो एक डिफरेंट रेसिपी हो जाती है, बड़ा अच्छा। नेक्स्ट टाइम तुमसे बनवाएंगे हम। तो जी नेक्स्ट प्रोग्राम में जो है कुकिंग करेंगी अंबर खान और बड़ा एंजॉय किया आज, बड़ा मजा आया। बचपन के दिन है क्या चीज और खाने के लिए आएगी बनीता? नहीं बनीता को, अच्छा मैं किसी बनीता को ना किसी भी खाने के शो में बुलाऊंगी, नहीं नहीं ये दर्शाऊंगी बनीता को, दर्शाऊंगी। तो जी मजे की आज हमने बचपन की ईद याद आ गई, बचपन में इसी तरह याद है झूला झूलते थे बचपन में, झूला चक वो चकडोल बोलते हैं, चकडोल और वो खेलते थे वो उसके साथ साथ वो पिस्टल पहन, नहीं नहीं मोहल्ले में लकड़ी का झूला आता था, एक वजन नीचे पहले एक चप्पल नीचे रखते थे फिर ऊपर जाते थे फिर दूसरे से चप्पल उठाते थे चक्कर में, ऐसे गेम्स बहुत किए। क्या कहते थे झूले को? चकडोल, 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 चकडोल। अच्छा जी चकडोल, हाँ छोटा चकडोल लोकल बिग विन, हाँ लोकल। तो प्रोग्राम का वक्त जो है तकरीबन तकरीबन खत्म होने वाला है, मैं चाहती हूँ सिर्फ गोश्त खाएं क्योंकि मीठे हम लोग खुद इतने मिठाइयाँ लग रहे हैं इस वक्त तैयार होकर, रंग बिरंगी मिठाइयाँ हो जाएगी, शुगर हो जाएगी। गोश्त के बाद ग्रीन टी, दालचीनी, बिस्किट रखे मीठे। लेट मी क्लियर समथिंग, वो जो कोने में पिंक दुपट्टे में लड़की बैठी है ना कैंडी बन के, इसने घर में बनाया है फज केक, हम आ जाएंगे बस ठीक है, हमारे लिए भी ले आती थोड़ा सा, सही है ठीक है जेबा, हमारे घर में हल्ला बोलने वाले हैं सब। अच्छा जी जाते जाते कोई भी मैसेज आप देना चाहें ईद पे जो मेरे लिए कुर्बानी के बाद प्लीज साफ कर दे एरिया, बिकॉज अभी तो सब जानवरों का ख्याल रख रहे हैं मगर जैसे कुर्बानी हो जाती है फिर वो गंद वंद ही पड़ा हुआ होता है तो इससे बहुत मच्छर वच्छर होते हैं, तो बस सफाई करें और गरीबों को मत भूलें, उन लोगों की ईद है, दे कान अफोर्ड मीट तो स्टॉक ना करें उन लोगों को गोश्त, वेरी नाइस। इतनी मेहनत से उन्होंने खाना बनाया बाल्टी गोश्त, मैं चखती हूँ बता दू जब तो तुम किसी और से मैसेज, प्यार दो, प्यार बांटो, एक दूसरे का ख्याल रखो, जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी भाई, कितने दिन की जिंदगी है, बिल्कुल 3 दिन की तो गुजर गई मेरे ख्याल, चौथा दिन एक दिन रह गया खाली, 4 दिन की जिंदगी में 3 दिन गुजर गए, आजकल के
जमाने में कुछ नहीं पता होता है कि आपकी मैं कहती हूँ जितना जो दिन आप जीते हैं ना सुबह आँख खोलते हैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हम जिंदा हैं बस बहुत अच्छी बात तंदुरुस्ती के साथ मैं भी कोई मैसेज दूं जी दे दो देना कुर्बानी करे लतीफा सुना दो हाँ तुम तो मुझे लतीफा सुनाओ अच्छा मैं चाह रही हूँ आप नहीं खैर मैं कुछ कहना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स से कि कुर्बानी जो है वो हमारा सिर्फ एक रिचुअल नहीं है इस पे गौर करें फिक्र करें कि कुर्बानी क्यों की जाती है और ये बड़ी ईद का मकसद क्या है कुर्बानियाँ करें बहुत बेहतरीन कुर्बानियाँ करें लेकिन उसके साथ साथ गौर करें कि कुर्बान किया जा रहा है कुछ तो अपने नफ्स पे अपने आप पे अपनी वैल्यूएशन भी साथ साथ करें कि इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप गिव अप कर सकते हैं और बात को मैं वो करूँगी आगे बढ़ाऊँगी कि जब आप कुर्बानी करते हैं तो ये कंपटीशन बड़ा होता है कि इतने लाख का जानवर लिया है इतने लाख का जानवर लिया कुर्बानी तो कुर्बानी होती है असल मकसद होता है उस गोश्त को आप बांटें और जो हकदार है उनको भी दें और ख़ुद भी इंजॉय करें ऐसी बात नहीं है अपने फ्रिज में भी रखें बाबू को बनाएं फ्रेंड्स को बनाएं और जो नाराज़ हुए लोग उनसे दोस्ती वोस्ती करें और बहुत सारा दिल से बोलें बकरा ईद मुबारक अच्छी बातें अमर ने बोली हैं रोज ने बहुत अच्छा बोला जेब ने और इसने बनीता ने बहुत अच्छी बातें की कि लाइक आप कुर्बानी करते हो उस जगह को साफ करो कुर्बानी कुर्बानी करके और जिन जानवरों से आप प्यार तो करते ही हैं जिन्हें आप कुर्बान कर रहे हैं बट ये है कि गरीबों का मुस्तहिक जो लोग हैं उनकी एक्चुअली ईद होती है हम तो शायद फिर भी अफोर्ड कर सकते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते उनमें गोश्त बांटें रूठे हुए को मना लें और बस जिंदगी चार दिन की है हंस खेल के गुजारे बस चलो इसी बात पे बहुत अच्छा अंबर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच अंबर बहुत स्टाइलिश है आप क्या कहेंगी मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग कुर्बानी कर रहे हैं जानवरों को जुल्म से ज़रा उसका कम कर दें तकलीफ़ जो काटते हैं और छोड़ देते हैं और तकबीर सही नहीं पड़ते और कुर्बानियों की बाद में वीडियोस देख ले होते हैं दिल दुखता है बाद में एटलीस्ट कुर्बानी ढंग से तरीके से सही जी और ईद आई है ईद में रूठों को मनाएं बड़ी अच्छी बात की है जितने भी रूठे हुए लोग हैं क्योंकि एक बहाना भी हो जाता है क्योंकि इंसान की ईगो बहुत ज्यादा होती है ना अपनी हम क्यों जाएं वो क्यों नहीं आ रहा तो एक बहाना भी होता है और इसके अलावा वैसे भी खुशियां जब तक अपनों के साथ नहीं बांटी जाएं वो खुशियां जो हैं मजा नहीं आता उन खुशियों में है ना वो मजा नहीं रहता लोगों से बिल्कुल और फहमीदा आप क्या कहेंगी आपका मैसेज रह गया आज मैं ये कहूंगी कि भाई रिश्तेदारों को इंतजार ना करें फोन करने का खुद पहले फोन कर लें हाँ। और जो नाराज हो उनको मना लें बिल्कुल और गोश्त को बांटे फ्रिज में ना रखें इस दफा हम जानवरों की खा लें हम खुद ही रखेंगे और हैंडबैग्स और जूते बनाएंगे वो भी गरीबों को देते हैं बेटा एंड पे चीजें बनाएंगे तो जी अब हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत मजा आया बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने हमारी ईद को दोबारा करने का बहुत थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया थैंक यू और अल्लाह करे एक्सप्रेस जो है वो ता हयात जो है वो रहती दुनिया तक कायम रहे और जरा घरदारी भी करें घर जाएं घरों में देखें क्या करना है क्या हमारे करना है इंतजार कर रहे हैं आज कौन कौन से मेहमान आने वाले हैं कौन कौन से मेहमान ऐसे हैं जो आके बैठे हुए हैं और हमें कहाँ 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 जाना है आज तो जी सबको एक बार फिर